वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप ऐसे 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जो कि स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस रही थी, किसमें 2019 में। तो न्यू और फ्रेश रैंकिंग किसके लिए? सीज़न 2020 के लिए। इसकी हम इन टॉप 20 कॉलेजेस की न्यू एंड फ्रेश रैंकिंग बताएंगे आपको सीज़न 2020 के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला है। तो अपनी कीमती समय में से कुछ समय निकालकर इस वीडियो को जो है वो पूरा जरूर वॉच करें। हमने टॉप 20 ऐसे कॉलेजेस लिए हैं जो कि स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस रही है, लेकिन कुछ कॉलेज यानी कि 3 से 4 कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी रैंकिंग हमें पता नहीं चल पाई है, तो उनको भी हमने ऐड किया है। जैसे ही उन कॉलेजेस की रैंकिंग पता चलती है तो उन पर एक सेपरेट वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा। तो बात करते हैं उन 20 कॉलेजेस के बारे में जिसके थ्रू आज का जो ये वीडियो है वो बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप पूरा वॉच जरूर करें। शुरू करते हैं आज का। तो फर्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट आपका है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जो कि एम्स है। इसमें जो सिलेक्शन होता है वो बाय एम्स यूजी एग्ज़ाम के थ्रू होता है। एम्स यूजी एग्ज़ाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी रैंकिंग अपने को नहीं पता चली है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं जिपमर, ठीक है। इसमें सिलेक्शन होता है बाय जिपमर यूजी एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। इसकी भी रैंकिंग जो है अभी तक नहीं पता चल पाई है। थर्ड है आपका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, जिसे शॉर्ट में MAMC के नाम से भी जाना जाते हैं। नंबर 1 कॉलेज इन नीट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम का नंबर 1 कॉलेज है ये, कौन सा? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली का। इसमें सिलेक्शन जो होता है वो नीट के थ्रू होता है, नीट यूजी एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ जो 2019 में रही थी वो जनरल की रही थी। अगर रैंक की बात करें तो 32 मार्क्स आगे लिखे हुए हैं, मार्क्स आप देख सकते हैं, मैं ओनली रैंक की बात करूंगा। OBC की रही थी, सेकंड राउंड की बात कर रहे हैं, 148। SC की बात करें तो 487 रैंक, और ST की बात की जाए तो 3494। ये रही थी 2019 की कट ऑफ। ये आपकी रैंक है और ये आपके मार्क्स हैं, मार्क्स और रैंक आप दोनों इसमें देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें अपने फोर्थ कॉलेज की, तो वो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, जिसे VMMC के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी जो सिलेक्शन होता है वो नीट के यूजी एग्ज़ाम के थ्रू होता है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट। और इसकी कट ऑफ जनरल की 157, OBC की 357, SC की 5617, ST की 6010, ये इसकी 2019 की कट ऑफ रही थी। बात की जाए फिफ्थ की, तो ये है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, जिसे AFMC के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो सिलेक्शन होता है वो आपका नीट यूजी एग्ज़ाम के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें आपकी 2019 की कट ऑफ जो रही थी वो बॉयज़ की रही थी 720 में से 596 मार्क्स, और गर्ल्स की रही थी 720 में से 610 मार्क्स। यानी गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रही थी बॉयज़ के हिसाब से, बॉयज़ की 596 एंड गर्ल्स की 610 रही थी 720 नंबर्स में। ये नंबर्स आ गए, ठीक है। आगे है आपका 6 नंबर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, जिसे UCMC के भी नाम से जाना जाता है। इसमें भी जो सिलेक्शन होता है वो नीट यूजी एग्ज़ाम के थ्रू होता है, ठीक है। कट ऑफ की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ जनरल की रही थी 171, रैंक की बात कर रहा हूँ। OBC की रैंक रही थी 374 ऑल इंडिया रैंक, SC की 3231, ST की बात की जाए तो 9012 यानी कि 9012, ठीक है। आगे बात की जाए अपने 7th कॉलेज की, तो वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़।
इसकी जो रैंक रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की वो रही थी 360 एयर, ऑल इंडिया रैंक 360। ये 7th मेडिकल कॉलेज है अपना चंडीगढ़। 8th है आपका सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई। 8th नंबर पे आता है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, जिसमें आपकी जर्नल की रही थी वो रही थी ऑल इंडिया रैंक 638, एससी की 16,925 और एसटी की 14,781, यानी कि 14,781 ये एसटी की रही थी सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई में। बात की जाए 9th की तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी, जिसे बीएचयू के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, जिसमें आपकी जनरल की रही थी 669 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस की 1,257, ओबीसी की 1,097, एससी की 15,572 और एसटी की 32,203। ये आपकी ऑल इंडिया रैंक रही थी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आप 10th नंबर तो ये है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, यानी कि स्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, और जनरल की इसमें 760 रही थी। एससी की बात की जाए तो 14,864, एसटी की बात की जाए तो 11,928, ये इसकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो रही थी। बात करें 11 नंबर तो वो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिसे केजीएमयू के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जनरल की रही थी 908, एससी की 17,853 और एसटी की रही थी 16,837, ये आपकी एससी की रैंक रही थी एसटी की। आगे है 12 नंबर पे तो वो है बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, जिसे बीजीएमसी के नाम से जाना जाता है, और इसमें जनरल की जो रही थी वो रही थी 543 ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 543 ऑल इंडिया रैंक इसकी रही थी। बात करें 13 की तो मेडिकल कॉलेज कोलकाता, जिसमें आपकी जनरल की रही थी 1682, एससी की 11,889 और एसटी की 42,943, यानी कि 42,943, एससी की 11,889। आगे नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो ये है ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। कौन सा? ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। इसमें जनरल की आपकी 1,301, एससी की 17,989, एसटी की 33,400, ये रही थी एसटी की। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो आपका आता है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई। ठीक है, इसमें जनरल की बात करें 1611, एससी की 28,603 और एसटी की बात की जाए तो 339,785। ठीक है, आगे बात करें 16 की तो ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, एम्स, एम्स है जोधपुर का। इसमें जनरल की 269, ओबीसी की 931 और एससी की बात की जाए तो 11,989, ये रही थी आपकी एससी की। 17 की बात की जाए तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में है, इसकी जो जनरल की रही थी वो रही थी ऑल इंडिया रैंक 1372, यानी कि 1372। 18 तो ये है आपका पीटी बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक, जिसकी रैंक रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की 1825। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, इसकी आपकी जो रही थी वो रही थी 2672 अनरिजर्व कैटेगरी की। और आज का लास्ट जो मेडिकल कॉलेज है वो है उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोटी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, और इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की जो ऑल इंडिया रैंक रही थी वो रही थी 3,440, यानी कि 3,414। तो ये अपने टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जो 2019 में स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस जो है रही थी। इनकी न्यू सीजन यानी कि 2020 के सेशन के लिए न्यू एंड फ्रेश रैंकिंग आपको बताई गई है। तो आप इनकी जो कट ऑफ है या फिर रैंक है इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा जो मेडिकल कॉलेज है वो सही रहेगा। वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कौन सा कॉलेज पसंद है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।